हे ऑल सो अभी टेक कॉमर्स वाला सो चलिए आपको 7 स्किल बैच का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारे स्किल बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये अपना नेक्स्ट स्किल बैच है तो इस पर क्लिक करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना। पहला ये इस पर्टिकुलर पोस्ट में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे स्किल बैचेस के। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यार ये अपना फोल्डर है ऐप इंजन का, इस पर क्लिक करना और ये चारों फाइल के कोड आपको दिख जाएंगे। तो पहले हम लोगों को पाइथन का कोड प्रोवाइड करना है, तो फर्स्ट लैब पर क्लिक करना, लैब को स्टार्ट करना और यहाँ पे पाइथन वाली फाइल का कोड मैं ओपन कर लूंगा, ये हम लोग को यूज करना है। लैब स्टार्ट हो गई है, पासवर्ड कॉपी करना, ओपन गूगल क्लाउड कंसोल पर क्लिक करना। सब में ऐसे ही आपको गूगल क्लाउड कंसोल को सेटअप करना है और फिर क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है। इंटर करना, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना, फिर इसको आई एग्री करके एग्रीइंग कंटिन्यू करना, देन यहाँ पे क्लाउड सेल पर क्लिक करके क्लाउड सेल को एक्टिवेट करेंगे। सो यह क्लाउड सेल एक्टिवेट हो गया है। अब पहले कमांड कॉपी करना, सबसे पहले हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है रीजन का, पेस्ट करना, ये रीजन मुझे यूज करना है, आपके केस में कुछ और हो सकता है। इसका नेम कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, फिर यहाँ से बस सेकंड कमांड कॉपी करना, बस ध्यान से कॉपी करना, फिर पेस्ट करके इंटर करना, फिर इसको ऑथराइज कर देना। बस इतना ही आपको करना है। जैसे ये कमांड रन हो जाएगा आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। तो यार अपना कमांड रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। एक ही टास्क हम लोग कंप्लीट करना था, तो लैब कंप्लीट हो गई है। लैब को एंड करते हैं और चलते हैं अपनी सेकंड लैब पे। ये गो वाली लैब है, इसके लिए हम लोग ये सेकंड फाइल का कोड ऐड करेंगे, कोड यूज करेंगे, ऑलमोस्ट सेम चीज है, कंसोल को सेटअप करते हैं। उससे पहले ये वाला अकाउंट रिमूव कर देना अगर सेम ब्राउजर में ही काम कर रहे हो तो, काम काफी आसान हो जाता है। अब लैब को स्टार्ट करते हैं और कंसोल को सेटअप करना। कंसोल सेटअप हो गया, अब क्लाउड सेल को एक्टिवेट कर दिया। पहला कमांड वही है, रीजन का एनवायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, तो इस कमांड कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करना और मेरे केस में ये रीजन है, आपके में कुछ और हो सकता है। नेम कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, बस फिर ये सेकंड कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करना, इंटर करना और इसको ऑथराइज कर देना। जैसे पहले हुई थी वैसे दूसरी लैब कंप्लीट हो जाएगी। और यार अगर तुम ध्यान दोगे तो तीनों में क्विक स्टार्ट है, इसमें पहले पाइथन से था, फिर गो से है, अब पीएचपी से है, और तीनों में सेम चीज है भाई। अगर तुम कोड देखोगे तो अगर पीएचपी वाले में जाए तो उसमें भी बस सीधा कमांड रन करना है, उसमें तो इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेटअप आपको नहीं करना। तो यार आई होप आप थर्ड वाली पीएचपी वाली लैब को अपने आप खुद से कर लेंगे। जैसे इन दोनों में किया वैसे ही तीसरे पे करना है, कुछ भी अलग नहीं है। ये जैसे कमांड रन हो जाएगा वैसे अपनी लैब कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर इसमें आपसे रीजन पूछे तो मेरे केस में यूएस ईस्ट 1 था, तो मैं 3 लिख के एंटर दबाऊंगा। आपके में जो भी रीजन हो उसको चूज करना, वो नंबर डालना और इंटर दबाना। अब जैसे ये कमांड रन होगा लैब कंप्लीट हो जाएगी, टास्क कंप्लीट हो जाएगा, यस नो पूछे तो वाई लिख के इंटर दबा देना, ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा। सो यार अपना कमांड रन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक ही टास्क था जो कंप्लीट करना था। लैब को एंड करते हैं और एक बार मैं पीएचपी में देख लेता हूँ कि टास्क कितने हैं। आई थिंक उसमें भी एक ही होगा, हाँ उसमें भी एक टास्क है, सेम ऐसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। आप चलते हैं चैनल लैब पर और लैब को स्टार्ट करते हैं। लैब स्टार्ट हो गई है, कंसोल को सेटअप करना, कंसोल सेटअप हो गया, अब क्लाउड सेल पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट करेंगे। ये अपनी फोर्थ फाइल है चैनल लैब की, इसको यूज करेंगे। तो पहले हम लोग को मैसेज डालना है, ये पहले वाले कमांड को कॉपी करना और जब कंसोल आपका एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पे पेस्ट करना। अब मैसेज में क्या डालना है ये समझते हैं। यहाँ पे जब आप फोर्थ टास्क में आएंगे तो ये जो मैसेज है येलो में लिखा है, आपके में कुछ और होगा, इसको कॉपी करना और इसको यहाँ पे दोनों कोड्स के अंदर लिख के इंटर दबा देना। मैसेज का एनवायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया। अब ये जो फाइल है, ये जो सेकंड कमांड है, इसको कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, फिर इसको ऑथराइज कर देना। अब जैसे ये कमांड रन होगा आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होना शुरू होगा। सो यार फाइनली कमांड रन हो चुका है। अब अगर हम लोग चल के सारे टास्क को चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, पहला वाला ऑलरेडी हो गया था, सेकंड डन, थर्ड और फोर्थ भी हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स हम लोग मिल चुके हैं। ये अपनी 7th स्किल बैच का सॉल्यूशन था। अगर पसंद आया वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सीरियस वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।